लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों लेक्चर फोर में हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर आपको बताया गया कि स्टेम की ओरिजिन कैसी होती है, स्टेम किसे कहते हैं और इसके फंक्शन क्या है। आज हम लोग एक अगले लेक्चर में बिना टाइम बर्बाद किए बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, लर्निंग बेस है और इसमें ध्यान रखना है कि हमको एग्जाम्पल पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहां से जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो एग्जाम्पल बेस आया। तो चलिए बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या होता है या हम तनेक में रूपांतरण से क्या समझते हैं। लेक्चर नंबर 5 है और अभी तक अगर आपने बाकी लेक्चर नहीं देखे बेटा तो सीरियल से पहले लेक्चर से इसे देखना स्टार्ट करें। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहते किसे। देखो मॉडिफाइड वाली बात जो पिछले टर्म में मैंने रूट में की थी वही बात यहां पर भी है। क्या कि जब कोई रूट स्टेम या कोई भी ऑर्गन अपने मेन काम के अलावा कोई दूसरे कार्य को करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं। नोट्स साथ में बनाते चले, स्क्रीन शॉट ले लिया करें। A change or deviation occurs in the structure of the stem to perform new function which are suitable to the surrounding environment is called stem modification। पौधे की आवश्यकता के अनुसार अथवा जहां पर कोई प्लांट है उसकी सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ में अपने आप को स्टेम सेट करने के लिए जब अपने मेन कार्यों के अलावा अपने अंदर कोई बदलाव करता है तो इस बदलाव को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। क्लियर हुआ? यानी अपने, फिर से मेन बात को सुनो, अपने मुख्य कार्य के अलावा जब किसी अन्य कार्य को करने के लिए अपने में बदलाव लाता है जब कोई स्टेम, तो इसे हम स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं। एक बात सुन लो फिर मैं आगे पढ़ाता हूं कि एनएमसी में ये टॉपिक है, एनसीईआरटी में नहीं है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन के बच्चे हैं अथवा आप टारगेट के बच्चे हैं तो इस बात को बड़े ध्यान से और समझ के चलना है। क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म 3 टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन आर सीन दे आर। तो जितने भी हमारे आवृतबीजी पौधे हैं उन सभी में यह मॉडिफिकेशन 3 प्रकार का है। पहला कहलाता है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी भूमिगत रूपांतरण। दूसरा है एरियल, इसका मतलब होता है वायवी, हवा में रहने वाला। और तीसरा होता है अर्धवायवी, अर्धवायवी। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन यानी भूमिगत, दूसरा एरियल मॉडिफिकेशन या हवा में रहने वाले रूपांतरण तने के, और तीसरा है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन अर्थात अर्धवायु भी। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं शुरू से। अब यहां पर एक बात आप देखिए, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा कि व्हाट इज स्टेम मॉडिफिकेशन, तने का रूपांतरण किसे कहते हैं। फिर वही बात लिखी है कि एनी टाइप ऑफ डेविएशन, किसी भी प्रकार का बदलाव तने में रूपांतरण कहलाता है। अ चेंज और डेविएशन अकर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम टू परफॉर्म न्यू फंक्शन विच आर suitable to the surrounding environment called stem modification। I think clear हुआ, ये बात पहले भी हो चुकी। अब बात हम कर रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, भूमिगत तनों की बात कर रहे हैं। अब ये भूमिगत तने क्या होते हैं, भूमिगत तने का मतलब होता है कि जैसे ये कोई स्टेम है, यहां पर आप देख सकते हो ये कोई स्टेम है। अब स्टेम का अगर कोई पार्ट जो है वो इस तरीके से इसके नीचे यानी भूमि के नीचे भी इस तरीके से है ऐसे, और इसके बाद इसमें ये रूट्स निकली हुई है, ये रूट्स आपको दिख रही होंगी, ये रूट्स हैं,
ये रूट शब्द। अब देखो यहां पर हम क्या देखने वाले हैं कि ये पार्ट बेटा स्टेम दिख रहा है आपको, ये स्टेम है और ये अंडरग्राउंड है, ये आपको जो दिख रहा है ये अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड है। तो जब कोई तना जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है, यानी जनरली क्या होता है कि स्टेम हमेशा ऊपर होता है, लेकिन कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो भूमि के नीचे भी घुसे होते हैं, उनको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अब ये स्टेम मेन स्टेम तो कैसा होता है, अपर ग्राउंड होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए ये क्या है, मॉडिफिकेशन है। क्लियर हुआ? अंडरग्राउंड स्टेम आर मॉडिफाइड प्लांट स्टेम टिश्यू बट एग्जिस्ट अंडर द सॉइल सरफेस। जब कोई तना का कुछ हिस्सा, जब किसी तने का कुछ हिस्सा मेनली तो ऊपर है, लेकिन कुछ हिस्सा अपने आप को क्या करता है, अपने आप को क्या करता है बेटा, मॉडिफाइड करके जमीन के नीचे घुस जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। अब देखो इसके दो काम है। पहला काम तो क्या है इसका, पहला काम इसका है स्टोरेज। अंडरग्राउंड स्टेम किस बात के लिए मॉडिफाइड हुआ, तो पहले बात किसके लिए हुआ, पहले तो ये हुआ बेटा स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए हुआ, भोजन संग्रह करने के लिए हुआ। दूसरा ये क्यों हुआ, दूसरा देखो ये लिखा हुआ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसके लिए हुआ, ये इसके मॉडिफिकेशन थे। पहले मैंने क्या कहा कि अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, फिर मॉडिफिकेशन किस बात के लिए हुआ, एक तो भोजन को संग्रह करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, थोड़ा सा यहां पर बाकी फिर कभी बताएंगे, यानी प्रजनन के लिए। तुम सीधे हिंदी में यह समझ लो कि प्रजनन के लिए मॉडिफिकेशन है और भूमि के इस भोजन स्थानांतरण के लिए मॉडिफिकेशन है। अब जैसे यहां पर क्या पूछा जा सकता है कि अंडरग्राउंड स्टेम कितने प्रकार के होते हैं, तो राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब, बोलो हमारे साथ अभी क्लियर हो जाएगा, राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब, राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब। क्लियर हुआ? फिर से सुनो, अरे मजाक नहीं हो रहा भाई, याद करा रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब, अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब। क्लियर हुआ? ऐसे बार बार बोलना भाई, इसमें रट्टा लगाना ही पड़ेगा आपको, हमने लगाया है तुम भी लगाओ। अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब। देखो इसमें जो लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे पढ़ो, नंबर एक पे आप इसे पढ़ो, नंबर दो पे राइजोम, फिर ट्यूबर, नंबर टू पे क्या आएगा, नंबर टू पे आएगा ये ट्यूबर आएगा, नंबर टू पे ये नंबर टू पे आ गया, नंबर थ्री पे मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर थ्री पे मैं बोल रहा हूं आपसे ये, नंबर फोर पे बल्ब। तो राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब, राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब, अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर हुआ? अब बात को आगे बढ़ाओ, एक एक करके इसमें से देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहां पर ट्यूबर की। ट्यूबर का जो एग्जाम्पल है बेटा वो है क्या, पहचानो ये क्या लिखा है, ये क्या है, पहचानो, पहचान पा रहे हो ना, घर घर में आता है, ये है पोटैटो। क्या है बेटा, पोटैटो, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आलू। कौन वाला आलू है, समोसे वाला, हाँ क्या बोलेंगे इसको, आलू। स्टेम ट्यूबर पोटैटो और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, आलू। अब देखो यहां पर एक समझने वाली बात कि शकरकंद भी नीचे होती है और आलू भी नीचे होता है, तो शकरकंद को हम कहते हैं कि ये एडवांटेजियस रूट है, और जबकि आलू को हम क्या बोलते हैं, स्टेम है। कारण क्या था इसका, इसका कारण स्पष्ट है। देखो जब भी स्टेम होगा तो उस स्टेम में ये जो आई देख रहे हो ना, ये इसकी एक्सिलरी बड है, कच्छस्थ कलिकाएं हैं, ये देखो लिखा जनरेटिंग आई बड, स्कार ऑफ स्केल्स लीफ, स्कार ऑफ स्टेम। बात समझने की कोशिश करें कि तना हमेशा वो होता है जिस पर बड पाई जाए, एक्सिलरी या टर्मिनल बड पाई जाए, उसे हम बोलते हैं। क्लियर हो गई पूरी बात,
क्लियर हुई ना कि नोड और इंटर नोड का पाया जाना किसकी स्टेम की विशेषता है। स्टेम की विशेषता क्या है? नोड और इंटर नोड का पाया जाना। तो शकरकंद को रूट इसलिए बोला गया क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं है, नोड इंटर नोड नहीं है। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर अगर आप देखो तो ये जो आई आपको दिख रही है ये इसकी क्या है, ये इसकी बड है, या इसको आप कह सकते हो कि ये इसकी नोड है, देख रहे हो। और दो नोड के बीच में क्या दिख जाएगा आपको, ऐसे दो नोड के बीच देखो तो ये इंटर नोड दिख जाएगा। तो पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज द एडवेंटियस रूट। क्लियर हो गया, याद रखेंगे क्या, ट्यूबर पोटैटो, ट्यूबर पोटैटो, ट्यूबर पोटैटो, ट्यूबर पोटैटो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, राइजोम की। मैंने कहा था कि ये वाला भाई आपको याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल, और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इसके राइजोम में क्या है, जिंजर बनाना टर्मरिक। तो एक तो आपका लिखा हुआ है ये देखो, ये जिंजर लिखा है। इसके अलावा एक और क्या है एग्जाम्पल, इसका बनाना, ये इसका एग्जाम्पल। दूसरा क्या हो गया, बनाना। तीसरा ये क्या बना है, टर्मरिक। अरे यार हल्दी जानते हो ना, तो अब देख के भी नहीं जान पा रहे हो तो कैसे भी समझोगे। मैंने फुल डायग्राम, ओरिजिनल डायग्राम लगाए, इसीलिए लगाए क्योंकि आपको सारी बात विजुअलाइज करा सकूं। दोबारा ध्यान दीजिए, राइजोम का एग्जाम्पल क्या है, राइजोम का एग्जाम्पल क्या है बोलो भाई, इसका है जिंजर बनाना टर्मरिक। जिंजर बनाना टर्मरिक राइजोम, राइजोम जिंजर बनाना टर्मरिक। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल ही याद करो इसमें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, बल्ब की। तो अगर बल्ब की बात करो, देखो ये बल्ब जो आपको दिख रहा है ना, पहली बात तो इसको बल्ब बोला क्यों, बोला इसको इसलिए क्योंकि बल्ब जैसा दिख रहा है। हाँ, राजस्थान में क्या बोलते हैं, लट्टू। तो लट्टू जैसा ये दिख रहा है इसलिए इसको बोला गया बल्ब। अब दूसरी बात इसमें ध्यान दीजिए, इसमें स्टेम जो है ना, स्टेम केवल ये नीचे वाला है इतना, रिड्यूस साइक्लिक स्टेम। क्या लिखा होता है, रिड्यूस्ड साइक्लिक स्टेम, ठीक है। इसमें कैसा स्टेम पाया जा रहा है, रिड्यूस साइक्लिक स्टेम पाया जा रहा है। अब देखो यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि इसे भी हमने स्टेम क्यों कहा, क्यों कहा, क्योंकि यहां पर आप देखो ना, ये जो चीज आप देख रहे हो ये यहां पर एक्सिलरी बड पाई जा रही, ये एक्सिलरी बड पाई जा रही। और मैंने कहा था कि अगर बड है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा। तो ओनियन गार्लिक बल्ब है, ओनियन गार्लिक बल्ब है, ओनियन गार्लिक बल्ब है, ओनियन गार्लिक बल्ब है। बस एक लाइन याद कर लो, आपका काम हो गया। ये दुनिया भर का पूरा बात नहीं पूछा जाएगा, सीधे एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि विच इज द अंडरग्राउंड स्टेम या इज द एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। क्लियर हो गया, ओनियन गार्लिक बल्ब है। चले बात को आगे बढ़ाएं। तो बेटा इस तरीके से अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एरियल मॉडिफिकेशन की। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, दीज आर डिवाइडेड इन फाइव किंगडम। एरियल का मतलब क्या हो गया, पहले तो ये देखो, एरियल स्टेम कब माना जाएगा, जब कोई स्टेम जो है वो इस तरीके से पूरी तरह से अपर ग्राउंड हो, ऐसे अपर ग्राउंड होगा तो इसको हम एरियल स्टेम मानेंगे, और नीचे की तरफ इसमें ऐसे रूट पाई गए ऐसे, ये हमारा हो गया एरियल स्टेम। अब एरियल स्टेम कितने प्रकार के हैं, पहली बात तो टेंडिल्स, थ्रोन, फाइलोक्लेट्स और क्लेडोफिल्स बल्बिल्स। दोबारा से देखो, स्टेम टेंडिल थ्रोन फाइलोक्लेट क्लेडोफिल्स, स्टेम टेंडिल थ्रोन फाइलोक्लेट क्लेडोफिल्स, और बचा है बल्बिल्स। अरे मजाक नहीं हो रहा, ऐसे याद होगा, नहीं याद नहीं कर पाओगे। अरे तेरे से पहले वाले नहीं याद कर पाए बहुत बार। हाँ दोबारा से सुनो, टेंडिल्स थ्रोन फाइलोक्लेट, टेंडिल थ्रोन फाइलोक्लेट, टेंडिल्स थ्रोन फाइलोक्लेट क्लेडोफिल्स बल्बिल, क्लेडोफिल्स बल्बिल, क्लेडोफिल्स बल्बिल, टेंडिल्स थ्रोन फाइलोक्लेट क्लेडोफिल्स बल्बिल। सब क्या है बेटा, इसका
एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। क्लियर हुई इतनी बात? यहां पर केवल आपको लर्न करना था। अब चले बात को आगे बढ़ाएं। अब जैसे स्टेम टेंडिल्स की बात करो, स्टेम टेंडिल सबसे पहले क्या है? इस वाले डायग्राम में देखो, ये स्प्रिंग जैसी दिख रहे, ये स्प्रिंग दिख रहे ना, इन रचनाओं को हम स्टेम टेंडिल्स कहते हैं। दोबारा मैं यहां पे बना देता हूं, ऐसी रचनाएं जो आपको दिखती हैं, और वो भी कहां से निकली हूं, स्टेम से निकली हूं, तो इसको बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। क्लियर हो गया? अब ये क्यों पाई जाती है? आपने भी देखा होगा लौकी में, तरोई में, करेला में, कद्दू में, खरबूजे में, है ना, दो तीन तो मैंने यही बना दिया। ये देखो खीरा बना हुआ, कुकुम्बर लिखा है, पंपकिन्स, कद्दू है, कोला बोलते हैं कोला यहां पे, तो यहां भी ऐसे आप देख रहे हो, ये दिख रही, यहां पर वाटरमेलन ये दिखाया गया, तरबूज ये लगा है, देखो ये वाटरमेलन लगा, और इसमें ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, कुल मिलाकर के अगर आप ध्यान दें, क्या ध्यान देना है, तो फैमिली कुकुरबिटेसी के जो सदस्य हैं, कौन सी फैमिली, कुकुरबिटेसी के जो सदस्य हैं, उनमें इस प्रकार के तने जो होते हैं अपने अगले भागों से, कहां से, दीज आर सिलेंडर स्पाइनली क्वाइल स्ट्रक्चर, बीच में भी डेवलप आइदर फ्रॉम एक्सिलरी बड एस इन ग्राउंड। क्या बताया मैंने कि ये स्प्रिंग के समान धागे जैसी रचनाएं हैं जो किसी भी तने के कच्छस्थ कलिकाओं से विकसित होती हैं, साथ ही साथ पौधे के आरोहण में मदद करती, ये टच के लिए सेंसिटिव होती, इसके अगल बगल कोई चीज होती उसमें ये चिपक जाते हैं और पौधे को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। नीट में ये सब नहीं खुरा फाता है, क्या पूछा जाएगा कि स्टेम टेंडिल्स आर फाउंडेड, सीधी बात, नो बकवास, क्या आपको याद रखना है कि कुकुरबिटेसी के सदस्य, फैमिली कुकुरबिटेसी के सदस्यों में ही इस प्रकार के स्टेम टेंडिल्स पाए जाते। अब कुकुरबिटेसी में कौन आता है, खीरा, कुकुम्बर, पंपकिन्स, कद्दू, वाटरमेलन, तरबूज, और इससे मिलते जुलते जितने भी प्लांट्स है सब में इस प्रकार का मॉडिफिकेशन बेटा पाया जाएगा। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अगली बात है हमारी, देखो यहां पर बहुत और स्पष्ट करके दिखाया गया, टर्मिनल बड, अगर पूछा जाए टर्मिनल बड तो आप देखो ये ग्रेप वाइन, एनसीईआरटी लिखी हुई है बेटा सब ये सामने, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल में भी इस प्रकार से ये देख रहे हो, ये कहां से निकल रहे हैं, टर्मिनल बड से, यानी शीर्ष भाग से। देखो टर्मिनल बड और एक्सिलरी बड में अंतर समझो, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई ये स्टेम है, अब जैसे ये मान लिया कि कोई स्टेम है इस तरीके से, ये उसकी ब्रांच है, तो अगर कोई भी कलिक यहां से निकलता है, ऐसे मान लेते हैं ये यहां से ऐसे निकल रहा है, अब ये क्या हो गया, ये एक्सिलरी हो गया, अगर कोई यहां से निकल रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनल, समझ गए, ये क्या है, ये वाला हो जाएगा टर्मिनल। ये वाला बेटा हो जाएगा टर्मिनल और ये हो जाएगा हमारा एक्सिलरी, एक्सिलरी बड हो जाएगा, ठीक है। तो कुकुम्बर, पंपकिन्स में एक्सिलरी बड्स और ग्रेप वाइन में कहां से निकलेगा बेटा, ग्रेप वाइन में ये निकलेगा टर्मिनल पार्ट से। क्लियर हो गई बात? अब चलिए बात करते हैं हम थ्रोन की। देखो थ्रोन का मतलब जो होता है, थ्रोन मींस होता है कांटा, कंटक ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में, हिंदी में ऐसे कंटक लिखा होता है। दे आर मॉडिफाइड इन मैनी प्लांट्स, बहुत सारे पौधों में इस प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। द बड ऑफ स्टेम में भी ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इन टू बुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड थ्रोन्स, बहुत सारे पौधों में जो एक्सिलरी बड होती है। अब जैसे फिर से एक बार देखो इसको, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई स्टेम है और स्टेम में ये कोई उसकी ब्रांच है, अब इस ब्रांच से इस प्रकार से ऐसे कांटे जैसी रचना निकल आती है, इस कांटे जैसी रचना को आप देख सकते हैं यहां पर, इस कांटे जैसी रचना को हम क्या कहते हैं बेटा, इस कांटे जैसी रचना को हम कहते हैं थ्रोन, ये जो कांटा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसी को थ्रोन बोला जाता है। क्लियर हो गया कि कुछ पौधों में क्या होता है,
जो उनकी कच्छस्थ कलिकाएं होती हैं वो नुकीले रंग की रचनाओं में बदल जाती हैं, और इन नुकीले रंग की रचनाओं को कांटे कहते हैं, कंटक कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये कहां पे, देखो इस डायग्राम में आप देखो, यहां पर आपको देखना है, देखो ये आपको दिख रही है, ये देखो ये कांटे लगे हुए हैं, ये दिख रहे कि नहीं दिख रहे? बोगनविलिया में और कहां पे दिख रहे हैं? नींबू में, ये दिख रहे हैं नींबू में। अब ये सर पाए क्यों गए, ये किस प्रकार का मॉडिफिकेशन, समझ नहीं आया कि आखिर पौधे कांटे क्यों बनाते हैं, तने में कांटे क्यों निकल गए। ये किसी भी पौधे को ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन देते हैं। अब ये ब्राउजिंग एनिमल्स कौन है? जो पौधों को खाने वाले, जैसे बकरी है, जैसे ऊंट है, जिराफ है, ये लोग क्या खाते हैं? पौधों की पत्तियां खाते हैं। तो अपनी पत्तियों को बचाने के लिए इन्होंने एक मॉडिफिकेशन किया और थ्रोन निकाल लिए। अब जैसे कोई इनको खाने आएगा तो ये चुभ जाएंगे, तो वो उसको नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो बात लिखी, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स, क्लियर हुआ? चलने वाले जंतुओं से ये इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं फाइलोक्लेट्स की। देखो फाइलोक्लेट्स में कुछ नहीं है, कुछ ऐसे मरुद्भिदी पौधे होते हैं, जीरोफाइट प्लांट होते हैं, जो अपनी पत्तियों को नहीं रख सकते। अब बात यह आती है कि सर क्यों नहीं रख सकते? बेटा इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर पत्तियां ज्यादा होंगी तो स्टोमेटा ज्यादा होंगी, और जब स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। अब जब ट्रांसपायरेशन होगा तो बचा खुचा पानी वो भी भाग जाएगा। अब पौधे ने क्या कहा कि यार अगर हमें जिंदा रखना है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो ऐसी जुगाड़ में इस प्लांट ने क्या किया, इस प्लांट ने क्या किया कि अपनी पत्तियों को रिमूव कर दिया। लेकिन जब पत्तियों को रिमूव कर देगा तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाएगी, अब वो फोटोसिंथेसिस कहां से करेगा, क्योंकि लीफ क्या मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। तो ऐसी चीज से बचने के लिए उसने क्या किया कि अपने तने को, अपने स्टेम को लीफ लाइक स्ट्रक्चर में इस प्रकार से ऐसे बदल लिया, ऐसे ऐसे, और इस पर कई जगह पर ऐसे कांटे जैसी रचनाएं, यानी जो पत्तियां थी वो कांटों में बदल गई। अब देख के तो पहचान ही रहे हो ये क्या बना है, देख के पहचान लो, देखो क्या बना है, याद आ गया ना, ये क्या बना है? ये बेटा नागफनी बना है। अब देखो क्या लिखा होगा, प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इन फ्लैसी फ्लैटेंड, फ्लैसी सिलेंड्रिकल और निडिल लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइलोक्लेट्स। कुछ पौधों में तने अपने आप को प्रकाश संश्लेषण के लिए बदल लेते हैं। अब वो बदला हुआ फॉर्म कैसा हो सकता है, फ्लैसी फ्लैटेंड रसदार पत्ती के समान, अथवा डंडे के समान सिलेंड्रिकल, अथवा सुई के समान प्रकाश संश्लेषी रचना में बदल लेते हैं। तो जब कोई स्टेम अपने आप को प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए पत्तियों जैसी रचनाओं में बदल ले, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में बदल ले, निडिल लाइक स्ट्रक्चर में बदल ले, बेटा तो इसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं, क्या बोला था, फाइलोक्लेट्स बोलते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, पहले ही बताया मैंने, ग्रीन कलर के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस और स्केल्स लीव्स टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। ये सारी बातें मैंने बताई कि इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, और पत्तियों के गिराने के पीछे का जो मेन उद्देश्य था, वो मेन उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है इनका, कि प्रकाश संश्लेषण भी हो जाए और पानी भी शरीर में बना रहे। अब इसका एग्जाम्पल जो आपको ओपंसिया लिखा दिख रहा है, दरअसल यही नागफनी है। ये क्या है, ओपंसिया नागफनी है। ये कैसा दिख रहा है, फ्लैसी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में दिख रहा है, या कैजुलाइना हो सकता है। देखो व्हाट आर फाइलोक्लेट, फिर से पूछ दिया गया यहां पर, तो प्लांट्स आर एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैसी फ्लैटेंड और फ्लैसी सिलेंड्रिकल और निडिल लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइलोक्लेट। बेसिकली देखो यहां पर एनसीईआरटी ने दो बातों को फोकस किया, एक तो ओपंसिया फाइलोक्लेट है और दूसरा यूफोर्बिया, इसको डंडा थोर भी कहते हैं और इसको नागफनी भी कहते हैं।
ये नागफनी है और ये बेटा है डंडाथोर, समझ गए। ये सिलेंड्रिकल है और ये कैसा है, फ्लैटेंड लीफ लाइक फ्लैसी स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गई सारी बात। अब देखिए बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहां पर हम बात करेंगे क्लैडोड की। देखो यहां पर बहुत कंफ्यूजन रहता है फाइलोक्लैड और क्लैडोड में। क्लैडोड कुछ नहीं, जैसे कि अभी मैं आपको फाइलोक्लैड्स के बारे में बता रहा था, ऐसे क्लैडोड है। इन सम प्लांट द ब्रांच शो लिमिटेड ग्रोथ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस और स्केल्स लीड टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ये भी एक प्रकार का ज़ेरोफाइट एडॉप्टेशन है। इसमें हो क्या रहा है जरा बात को समझो। इसमें जैसे ये कोई स्टेम है, अब जैसे हम मान लेते हैं यहां पर कोई स्टेम है, इस तरीके से ये कोई स्टेम है और इस स्टेम में कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं। पहले तो इसकी शाखाएं इस प्रकार से, ये जो ये ब्रांच दिख रही ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, लेकिन ये है क्या, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये लीफ नहीं। तो सर ब्रांच कहाँ गई बेटा, इसकी ब्रांच जो थी वो इस तरीके से कांटे में बदल गई। क्लियर हुआ, कहने का मतलब क्या था कि कुछ पौधों में कुछ ऐसी शाखाएं होती हैं जो सीमित वृद्धि के बाद कैसी हो गई, प्रकाश संश्लेषी संरचनाओं में बदल जाती है। ऐसी रचनाओं को क्लैडोड कहते हैं। अब पत्तियां कहां गई, तो पत्तियां इनकी रिड्यूस होकर के किस में बदल गई, स्पाइंस में बदल जाती, कांटों में बदल जाती। क्लियर हो गई बात। दीस आर लाइक फ्लैट ब्रांच दैट रिसेंबल एंड फंक्शन एज अ लीफ। वही बात आ गई ना कि ये जो लिमिटेड ब्रांच वाली शाखाएं थी ये इस तरीके से चेंज होकर के पत्तियों में बदल गई। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल होता है एस्परेगस। क्या एग्जाम्पल होगा इसका बेटा, इसका एग्जाम्पल होता है एस्परेगस। अब इसके बाद हम बाद में बात करेंगे किसकी, बल्बिल्स की। अब ये थोड़ा सा कम सुना सुना लग रहा है, बच्चे बोल देते हैं कि सर ये एनसीईआरटी में नहीं है। अरे भाई ये ट्वेल्थ वाली एनसीईआरटी के पुराना लेसन जो था ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें बल्बिल्स बनी हुई है अगेव की। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसी बनी होती है। तो पहली बात तो ये समझो ना कि बल्बिल्स है क्या। बल्बिल्स भी एक क्या है, एरियल स्टेम का क्या है, एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इन सम प्लांट द वेजिटेटिव बड और फ्लोरल बड स्टोर फूड मटेरियल। ये वास्तव में क्या है, पुष्प कलिका है जो भोजन को संग्रह करने के बाद मोटी और बड़ी हो जाती है। When they detach from the parent plant, they develop adventitious root and help in the vegetative reproduction. These structures are called bulbils. अब देखो यहां पर बात समझने वाली है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ये प्लांट है, अब ये कोई एक प्लांट है बेटा यहां पर, अब इसमें एक ये फ्लोरल बड ऐसे बनी, फ्लोरल बड। अब फ्लोरल बड कुछ समय बाद इस तरीके से ये ऐसे अलग हो गई, इस तरीके से ये कोई फ्लोरल बड जो होती है वो अलग हो जाती है और अलग होने के बाद इसमें इस प्रकार से रूट निकल आती है ऐसे। इस रचना को हम बल्बिल्स कहते हैं। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि बल्बिल्स कुछ नहीं है, बल्बिल्स एक क्या है, पुष्प कलिका है, पहले पेड़ पे लगी, थोड़ी सी बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद टूट के अलग हो गई और अलग होने के बाद उसमें क्या हुआ, जड़े निकल आई। अब इसी से एक नया पौधा बन गया, समझ गया। तो वास्तव में बल्बिल्स का बनना किस प्रकार का रूपांतरण है, बल्बिल्स का बनना प्रजनन वाला रूपांतरण है। मैंने पहले भी कहा था कि तने जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए भी मॉडिफाइड होते हैं। अब सर कैसा होता, देखो यहां पर इसका एग्जाम्पल डाइस्पोरिया अगेव, बल्बिल्स ऑफ डाइस्पोरिया। यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाया मैंने कि इस तरीके से पहले ये टूट गया, ये स्टेम है और इस पर ये फ्लोरल बड बनी और बाद में इसी फ्लोरल बड से एक नया प्लांट यहाँ पर जनरेट हो गया। एक समझ में आ गई बात बल्बिल्स क्या है। तो बल्बिल्स इज एन फ्लोरल बड आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द प्लांट्स, द लोअर पार्ट ऑफ द बल्बिल्स जनरेटेड रूट्स, देन होल बल्बिल्स मॉडिफाइड एज अ न्यू स्टेम। एग्जाम्पल क्या क्या था, डाइस्कोरिया अगेव, डाइस्कोरिया और
आगे हो। समझ में आई बात, बात को आगे बढ़ाएं। अब देखो यहां पर हम लोग बात करेंगे तीसरे की, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, अब सब एरियल पहले तो इसे कहा क्यों जा रहा, आधा पार्ट इसका जो है वो ऐसे है, आधा पार्ट आप देख सकते हो, आधा पार्ट तो ये ऐसे है और आधा पार्ट इसका ऐसे उठा हुआ है इस तरीके से ऐसे। अब ना तो ये एरियल है और ना ये अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड और एरियल के बीच की जो स्टेज है उसे हम कहते हैं अर्धवायवी। ये हिस्सा वायवी है और ये जमीन के साथ, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवायवी, या क्या बोला मैंने अभी यहां पर, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। तो दीज आर डिवाइडेड इन फोर कैटेगरीज, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। 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 क्या है, सब एरियल स्टेम, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। सब एरियल स्टेम, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। क्लियर हो गई बात। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन आर आल्सो यूजफुल फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये वाली बात इसीलिए लाल रंग से लिखी मैंने कि ये वाली बात आपको याद रखनी, क्या किसके लिए है ये बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये किसके लिए है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं रनर की। अंडरग्राउंड स्टेम इन सम ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी एंड सब एरियल स्टेम इन ऑक्सेलिस स्प्रेड टू न्यू नीचे एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स व्हेन ओल्डर पार्ट डाई सच प्लांट आर कॉल्ड रनर्स। They produces branches in all direction and spread into new niches. इस बात का मतलब समझो, सबसे पहले यहां पर आप क्या समझना है, जो सबसे फोकस करने वाली बात थी उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्सेलिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रनर्स। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी और ऑक्सेलिस किसके उदाहरण है, रनर्स के। अब दूसरी बात का ध्यान रखनी कि इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट से कहीं से भी स्टेम स्टार्ट होगा, इस तरीके से ऐसे स्टार्ट होगा। अब इसमें जो है इस तरीके से जगह जगह पर ऐसे नीचे की तरफ इसमें ऐसे ये रूट्स निकल आती है, ऐसे रूट निकल आती है और ऊपर की तरफ इसमें ऐसे ये लीफ निकल आती है, ये ऐसे लीफ निकल आती है। अरे यार डूब ग्रास देखिए ना, बस समझ जाओ कि वही क्या है, वही हमारा अंडरग्राउंड स्टेम है। समझ में आ गई बात। देखो अब हाफ पार्ट यहाँ पर क्या है, एरियल है और आधा हाफ पार्ट क्या है, रनर्स है। फिर से समझो, अंडरग्राउंड स्टेम इन सम ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी एंड सब एरियल स्टेम। और जो ये नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना लाल वाला, ये आपको दिखता नहीं है, ये कहाँ पे है, ये अंडरग्राउंड है। लाल वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा, ये जो ब्लैक बना है ना यही ग्राउंड है, ये जमीन है। तो आधा पार्ट जमीन के अंदर घुसा है और आधा ऊपर आपको दिख रहा है, इसलिए सब एरियल है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल क्या बताया, ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी, ऑक्सेलिस। क्लियर हुआ। अब चलिए इसके आगे की बात करें। आगे की जब बात करोगे, देखो यहां पर आप ध्यान से देखना, डायग्राम देखना, मैं जो बात कर रहा था वो आपको यहां पर दिखाया जाएगा। और ये स्ट्रॉबेरी बना हुआ है, इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये इसका जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये चीज दिख रही ना, जहां पे अप पेन चल रहा, देखो ऐसे चल रहा, ये इसका अंडरग्राउंड पार्ट। और जो आपका ऊपर ये दिख रहे ना, ये ऐसे ऐसे लगे दिख रहे, ऐसे दिख रहे, ये क्या है सर, ये बेटा है इसका अपर ग्राउंड। हो गया ना, क्लियर हुआ। तो स्ट्रॉबेरी इसका बेस्ट एग्जांपल है, किसका, सब एरियल। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर एक और एग्जांपल आप देखिए, रनर ऑफ ग्रासेस, ये अभी बनाया ही था मैंने। इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, ये अंडरग्राउंड है। इसमें नीचे की तरफ देखो ये रूट्स दिख रही, आप ध्यान से देखो आपको दिखेंगी ये रूट्स दिख रही। ऊपर वाला हिस्सा जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है,
ये उसका अपर ग्राउंड पार्ट है, ये ऐसे देख सकते हो। क्लियर हो गया? तो ग्रासेस भी इसके अंतर्गत आ गया। आगे चलें, अगली चीज को देखेंगे तो स्टोलन। स्टोलन, स्टोलन क्या है? स्टोलन को फोकस करेंगे। दीज आर सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्सिस डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड एंड प्रोड्यूस एडवेंटियस रूट। कहां पे पाई जाएंगी? नेरियम और जास्मीन। तो सबसे पहले हम क्या करें, भाड़ में गया कि इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले आपको नीट के अकॉर्डिंग करना क्या है कि स्टोलन के एग्जांपल आप याद करो कि नेरियम जास्मीन स्टोलन, स्टोलन नेरियम जैस्मीन, स्टोलन नेरियम जास्मीन, स्टोलन नेरियम जास्मीन, स्टोरियम। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या करी, दे आर सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द बेस। अब देखो ये कह क्या है, इसमें जैसे ये मेन स्टेम है, इस तरीके से मेन स्टेम है। अब इस मेन स्टेम से एक नई शाखा निकली, ऐसे ऐसे निकली, कुछ दूर तक ये हवा में रही, फिर इसके बाद जमीन में ऐसे आई, और जमीन में आने के बाद यहां पर इसने ऐसे यहां पर बेटा क्या बना लिया, यहां पर इसने बना ली रूट्स, ऐसे यहां पर इसने रूट्स बना ली, और ऊपरी हिस्से पर इस प्रकार से फिर इसमें ऐसे लीफ निकल आई। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसा कहां हम देख सकते हैं ये क्या बना हुआ है? इसको अपनी भाषा में नेरियम क्या है? नेरियम बेटा, नेरियम को हम कहते हैं कनेर। क्या कहते हैं? कनेर। पीले और लाल रंग के फूल आप देख सकते हो। देखो मैंने बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया ना, अब देखो आपको दिख रहा है कनेर ही। और अपने रोड के डिवाइडर पर बहुत सारे लगे होते हैं। किसका एग्जाम्पल है बेटा ये? किसका एग्जाम्पल है? स्टोलन का। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर बहुत अच्छे से आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हो, दिखा कुछ। स्टोलन कौन है? स्टोलन इसमें ये वाली चीज है, ये जो दिख रही ना, ये कुछ देर तक हवा में रही, फिर देखो गरी, और यहां पर ये आपको ऐसे रूट्स दिख गई, यहां पर ऐसे रूट दिख रही, और फिर यहां पर एक ऐसे निकला, और निकल करके इस पर इस तरीके से ऐसे, ये देखिए, ये आप जास्मीन में देख सकते हो ऐसे, इस तरीके से ऐसे, ठीक है, बात वही है बेटा, समझ गए होगे। तो जास्मीन भी इसका उदाहरण है, ये क्या बना था? ये बना है हमारा स्टोलन ऑफ जास्मीन। अब हम बात करें ऑफसेट की, बहुत ही मजेदार चीज। इन सम एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक का मतलब कुछ जलीय पौधों में, लाइक पिस्टिया एकॉर्निया लेटरल ब्रांच ऑफ वन इंटरनोड लेंथ कॉल्ड ऑफसेट इज फाउंड। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑफसेट को आइकॉर्निया मतलब जलकुंभी। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये है, ये इसकी लेटरल ब्रांच है, और यहां पर फिर रुका, फिर इसके बाद ये लेटरल ब्रांच, फिर रुका, फिर लेटरल ब्रांच और फिर रुका, फिर लेटरल ब्रांच और फिर रुका। लेटरल ब्रांच से नीचे की तरफ यहां पर ऐसे रूट्स का बंच निकलता, ऐसे बंच निकलता, ऐसे बंच निकल रहा है, ऐसे देख रहा, और ऊपर की तरफ इससे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ इससे इस प्रकार से ऐसे पत्तियां निकलती हैं, ऐसे ऐसे। क्लियर हुआ? ये जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ऑफसेट, इसे हम कहते हैं ऑफसेट। किसे कहते हैं? इसे कहते हैं ऑफसेट। ऊपर ये लिखा हुआ, इन सम एक्वाटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड आइकॉर्निया ए लैटरल ब्रांच ऑफ वन इंटरनोड, इंटरनोड ये है ना, लेंथ कॉल्ड ऑफसेट, दे बियर अ रोसेट ऑफ लीफ एट ईच नोड एंड टफ्ट ऑफ बैलेंसिंग रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द डिस्कॉइड स्टेम। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका डिस्कॉइड स्टेम है, और इससे एक पत्तियों का गुच्छा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इसे बैलेंस करने के लिए क्या पाई जा रही, रूट्स पाई जाती। अब आप देखना चाहोगे कैसा होता है, चलो देख लो भाई। ये क्या है? इस द आइकॉर्निया। हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग अपनी जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जलकुंभी।
क्या बोलते हैं इसको, जलकुंभी, इसको बोला जाता है जलकुंभी, और इसको बंगाल का कैरट भी कहते हैं। यूपी और बंगाल में, बिहार में बहुत सारे पाए जाते हैं, और इनकी वजह से कई बार तालाब में ऑक्सीजन की इतनी सारी कमी हो जाती है कि एक्वाटिक प्लांट्स की डेथ हो जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2-3 साल पहले। तो ये आपको दिख गया ना किसका एग्जाम्पल है, ऑफसेट का। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑफसेट का। अब देखो ये ऑफसेट यहाँ पर किसको दिखाया जा रहा है, ऑफसेट बेटा यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ऑफसेट। समझ में आई बात, ये जो यहाँ पर दिख रहा है गलत जगह पे लग गया बेटा, अब इसको सही करता हूं मैं। ये जो बीच वाला हिस्सा इसका है इससे हम कहते हैं ऑफसेट। अब बिल्कुल सही जगह पे लगा है, इसे कहते हैं हम ऑफसेट। तो ऑफसेट क्लियर हो गया। अब बात करें हम एग्जाम्पल, याद रखना भाई क्या बताया मैंने, वाटर हाइसेंथ, आइकॉर्निया या जलकुंभी, पिस्टिया। वाटर इसका हाइसेंथ। अब देखो ये सामने जो आपको दिख रहा है ये भी ऑफसेट है, बीच में दिख रहा है ना, दो इंटरनोड के बीच में जो जगह दिख रही इसे हम कहते हैं ऑफसेट। जहां पर ये क्या दिख रहा है, ये पिस्टिया दिखाया गया। तो पिस्टिया एंड आइकॉर्निया दोनों एक दूसरे को बिल्कुल देखने में भी समान लगते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सकर्स की। सकर्स में क्या होता है कि दीज आर लेटरल ब्रांचेस दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। किसी भी मुख्य तने से, लेटरल साइड से निकलने वाली जो शाखाएं होती हैं उनको हम लोग सकर्स कहते हैं। दे ग्रो हॉरिजॉन्टली बेंथ द सॉइल एंड कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। These branches are called suckers. These are useful for vegetative propagation. अब देखो इसको NCERT ने ऐसे लिखा, अब इसको आप आगे के बात में देखेंगे यहां पर क्या कह रहे हैं। देखो यहां पर आप देखो इसको डायग्राम में जब देखोगे तब आपको मजा आएगा। यहां पर देखो ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम से एक शाखा निकली, इधर चली थोड़ी दूर के लिए, फिर इससे जड़े निकलाई, फिर ये सीधी हो गई, फिर दिख रहा है ना आपको। देखो फिर से समझो, जैसे ये एक मेन स्टेम है, ये एक मेन स्टेम है, इस मेन स्टेम से नीचे की तरफ से एक यहां पर ऐसे ब्रांच निकली, फिर ये थोड़ी देर ऊपर चली, फिर नीचे आ गई, और फिर ऐसे ऊपर हो गई, नीचे यहां पर क्या हो गया ऐसे, और ऊपर फिर इसने लीफ ऐसे कंसीव की, फिर इससे एक निकलेगी ऐसे ही, और ऐसे करके फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं सकर्स। देखो एग्जांपल याद रखो इसके, सकर बनाना है, सकर पाइनएपल है, सकर क्रायोसैंथेमम है। तो बनाना पाइनएपल क्रायोसैंथेमम, बनाना पाइनएपल क्रायोसैंथेमम, बनाना पाइनएपल क्रायोसैंथेमम क्या है बेटा, सकर्स है। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए इसके बाद बात को बढ़ाते हैं आगे। वेरी गुड, टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू कि किस प्रकार के एमसीक्यू यहां पे पूछे जाते हैं। हाउ मेनी स्टेम मॉडिफिकेशन आर सीन इन एंजियोस्पर्म। तो आंसर क्या आएगा, तीन। कौन कौन से तीन थे, एक तो था एरियल, एक था सब एरियल, और इसके अलावा कौन था, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड, एरियल, सब एरियल, तो कितने हो गए, तीन। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब, राइजोम ट्यूबर कॉर्न बल्ब अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें देखो कुछ दिख रहा है, थ्रोन, फाइलोक्लेट, बल्बिल्स, नहीं राइजोम आ गया। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, स्टेम टेंडिल्स आर सिलेंडर स्पाइरली क्वाइल स्ट्रक्चर। कहां पे बताए थे मैंने आपको, आपको याद होगा मैंने बताया था किसमें पाए जाते हैं स्टेम टेंडिल्स, कद्दू में बताए थे, करेले में, खरबूजे में, वाटरमेलन में। इस प्रकार से यहां से ऐसे निकलने वाली रचनाओं को क्या बोलते हैं, स्टेम टेंडिल्स बोलते हैं। तो ये कैसी है, सिलेंड्रिकल है, स्पाइरली क्वाइल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्टेम टेंडिल्स कहते हैं। काम क्या है इनका, इनका काम है ऊपर चढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने, विच स्टेम मॉडिफाइड कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। फाइलोक्लेट,
एग्जाम्पल क्या बताया था इसका मैंने, ओपनसिया। क्या बताया था मैंने इसका एग्जाम्पल, ओपनसिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सकस, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आइडेंटिफाई द प्लांट विच सो स्टेम ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर, याद आ गया। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन, विच प्लांट फॉर्म न्यू प्लांट्स व्हेन ओल्डर प्लांट डाई। रनर्स, बताया था ना कि रनर्स जो होते हैं इसीलिए इनको रनर कहा जाता है कि पुराने भाग नष्ट होते रहते हैं और नए भाग बनते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों।